Hi, very good morning to all. I hope you are doing absolutely fine. Welcome to the channel. This is Rahul Chaudhary. आज मैं जाने वाला हूँ आगरा और आगरा में एक्सप्लोर करेंगे कि आज क्या क्या मिलता है. बहुत कुछ है आगरा में करने के लिए, बहुत कुछ है आगरा में देखने के लिए. तो आई होप कि ये दिन बहुत अच्छे जाने वाला है. तो पहले मैं पहुँचूँगा अपने फ्रेंड पवन के घर पे, पवन को पिक करूँगा, फिर हम दोनों लोग निकलेंगे एक्टिवा लेके उसकी आगरा की गलियों में, आगरा की सड़कों पर. उसको सारा आइडिया है. एक्चुअली मैं भी आगरा में 20 साल रहा हूँ तो मुझे भी बहुत आइडिया है, लेकिन हम एक्टिवा लेके निकलेंगे क्योंकि आगरा में काफ़ी ट्रैफिक रहता है. और मैं अपनी कार को पार्क कर दूँगा उसके घर पर. तो आज का दिन बहुत ही लंबा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है. आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा. तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ आगरा पहुँचने के बाद. सुबह टोल पे इतना ट्रैफिक, इतना लाइन लगी हुई है, पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में. शायद मेरी तरह व्लॉग करने जा रहे हैं. अभी हम पहुंच चुके हैं सबसे पहली लोकेशन कवर करने. आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, अभी हम आए हैं मेहताब बाग पे. तो ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आगरा के अंदर. बहुत सारे लोगों को नहीं पता यहाँ के बारे में, लेकिन जो ताजमहल का असली व्यू है वो यहीं से दिखाई देता है. तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ कवर करने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है. तो चलिए अंदर देखते हैं मेहताब बाग में क्या क्या आपको दिखाने के लिए मिलता है खास. हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं मेहताब बाग पे. आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए मैं मेहताब बाग पे आ गया हूँ. तो यहाँ से जो शॉट ताजमहल के आपको देखने को मिलेंगे, जो व्यू आपको ताजमहल को देखने का मिलेगा, वो बिल्कुल शाहजहाँ वाला फील आप ले सकते हैं. जो लोग टिकट लेके ताजमहल देखने जाते हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेहताब बाग आके ज़रूर देखिए, क्योंकि जो यहाँ से व्यू मिलता है उसका बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है, अलग फील आप कर सकते हैं. तो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ से व्यू दिखाऊँगा कि ताजमहल का कितना प्यारा व्यू नज़र आता है. और यहाँ पर बाकी भी आपको दिखाऊँगा कि कैसा पार्क है, कैसा गार्डन है, कैसी ग्रीनरी है. तो अभी हम चलते हैं थोड़ी दूर. और
फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं मेहताब बाग पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले। अभी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की जानकारी देता हूँ कि मेहताब बाग है कैसा और क्या यहाँ की हिस्ट्री है। तो जो मेहताब बाग है वो शाहजहाँ ने बना जो मेहताब बाग है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ जब ताजमहल पे बैठा करते थे तो उन्हें ताजमहल को देखने के लिए कि ये अच्छी जगह नज़र आई व्यू पॉइंट के हिसाब से उन्होंने सोचा कि यहाँ से शायद ताजमहल बहुत अच्छा दिखाई देगा, तो उन्होंने इसकी खोज की और यहाँ पे 300x300 मीटर का एक उन्होंने स्क्वायर गार्डन बनवाया, जिससे वो यहाँ पे बैठ के ताजमहल का नज़ारा लिया करते थे। और ये जो ताजमहल के पीछे की जगह है जिसको रिवर फ्लड्स एरिया बोलते हैं, बिल्कुल रिवर के बैंक पे है और ये ताजमहल के नॉर्थ में पड़ता है। यहीं से नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको लाल किला भी यहाँ से दिखाई देता है, जिससे वो एक साथ दोनों चीज़ों का व्यू ले सकते थे। और जो मेहताब बाग है इसको 11वां मुग़ल गार्डन बताया गया है। जो पहला मुग़ल गार्डन था रामबाग था, जिसको के इनके पहली जनरेशन जिसको बाबर की जनरेशन बोला जाता है, बाबर ने उसका निर्माण करवाया था। और ये जो मेहताब बाग का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने चौथी जनरेशन जिसको बोला जाता है उन्होंने यहाँ पर करवाया था। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ताजमहल का जो व्यू आता है वो कैसा आता है और शाहजहाँ कैसा फील करते होंगे आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ग्रीनरी में बैठ के शाम को इवनिंग सनलाइट बिल्कुल डिम, एक जो फील लेने वाली बात होती है, किंग फील लिया करते थे अपना, और यहाँ से बैठ के अपनी मुमताज़ जो उनका प्यार था उसका नज़ारा लिया करते, कितनी खूबसूरत फीलिंग वो रही होगी। अगर मैं उसको फील करना चाहूँ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अपनी लव लाइफ को जो उन्होंने बनवाया इतना खूबसूरत ताजमहल, जिसको आज हम नंबर 1 हेरिटेज नंबर 1 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो उसका व्यू लेने के लिए जो ये जगह उन्होंने निकाली तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेमिसाल जगह कह सकते हैं इसको। और जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, एक नंबर। तो एक हिस्ट्री और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ के पता लगा या मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो यहाँ का इतिहास है कुछ ऐसा है कि जो शाहजहाँ थे वो यहाँ पे अपना एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। जो इसके पीछे की स्टोरी वो कुछ ऐसी हो सकती है कि जो वो व्यू देखा करते थे ताजमहल से यमुना में, तो उनको एक काली परछाई दिखाई देती थी उस पानी में, तो वो चाहते थे कि उसी परछाई के रूप में एक यमुना के दूसरी तरफ वो एक ताजमहल बनवाएं जो कि काला हो दिखने में। और आई थिंक अगर वो बन पाता तो इस ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता और उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी होती। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काले ताजमहल का काम स्टार्ट उन्होंने कराया था, लेकिन बाद में जो उनकी संतान थी औरंगजेब, उन्होंने उनको जेल में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शाहजहाँ थे उनकी इमेजिनेशन कैसी रही होगी। वो बिल्कुल ठीक सामने इस ताजमहल के यमुना की दूसरी साइड एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। अभी आ गया हूँ बिल्कुल यमुना के किनारे और यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्टों के लिए यहाँ पे टिकट लगती है और यहाँ से बैठ के लोग ताजमहल का व्यू देखते हैं पीछे। तो आप इमेजिन करिए कि बिल्कुल रिवर बैंक ऑफ यमुना के किनारे यहाँ पे बैठ के जो फील आता होगा इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में अर्ली जब सनसेट या सन राइज होता है, तो उस समय पर कितना अच्छा फील आता होगा। आप ताजमहल का नज़ारा देखिए, मस्त, मतलब अनबिलीवेबल, इमेजिनेशन से परे, और बहुत ही खूबसूरत जगह। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे ये जो यमुना नदी है वो है, अभी पानी थोड़ा कम है, सूखी हुई है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई होप, लेकिन पीछे ये ताजमहल देख सकते हैं। और ये यहीं पे जो मस्जिद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है फ्राइडे को, इसी वजह से ताजमहल बंद रहता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो पवन भाई कैसा फील कर रहे हैं और कैसा फील ले पा रहे हैं यहाँ पे इसे ताजमहल का? वैसे तो सारे दोस्तों को नमस्कार और मेरे भाई की तरफ से मेरे जितने भी फ़ैन हैं उसके, उन सबको नमस्कार। हेलो दोस्तों, हाँ आप शुरू करते हैं। देखिए आज मेरे दोस्त ने दिखाया है आपको ताजमहल, ऐसी बात नहीं कि आप लोग ताजमहल पहले देखे नहीं होंगे, ताजमहल आपने हज़ार बार देखा होगा यार, और हम लोगों ने तो शॉर्ट्स में देखा ताजमहल, क्योंकि आगराइट्स हैं हम लोग, आगराइट्स। पर ताजमहल का जो असली व्यू है ना भाई, वो यहाँ आओ और इस वीडियो से आपको मिल जाएगा, और इस बंदे के कहने पे आप यहां जरूर आओ इसको देखने के लिए। तो अभी हमने
कवर कर लिया है मेहताब बाग, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो अभी हम आए हैं बेलनगंज। पवन भाई ने बताया कि बेलनगंज में एक बहुत ही फेमस शॉप है। पवन भाई, क्या नाम है इस शॉप का? इसका नाम है बैजनाथ देवी राम। ये 85 साल लगभग पुरानी दुकान है और तीसरी पीढ़ी यहाँ पर इनका वर्क कर रही है। काफ़ी टेस्टी फूड है, मैं पहले ले चुका हूँ राहुल भाई को, आज मैंने कहा आप टेस्ट करके देखिए। तो चलिए आज ट्राई करते हैं आगरा की गलियों में बिल्कुल फेमस बेड़ई और जलेबी खाएंगे हम बैजनाथ। पीछे आप देख सकते हैं ये शॉप है, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे अभी। तो चलिए ट्राई करते हैं कि बेड़ई और जलेबी कैसी है और कैसा टेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.